हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फ्लिप बुक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको लैंडस्केप मोड में कटिंग कर लो। एक साइड उसका नाम लिखते जाओ और दूसरी साइड उसकी इमेज बनाते जाओ। ये बेटर रहता है कि आप इसकी ड्राइंग करें एक साइड पे, ना कि आप पिक्चर चिपकाएं, क्योंकि लाइक दिस, अगर हम इसमें एक साइड पे फुल पिक्चर चिपका दें तो वो फुल कवर हो जाता है। बेटर है कि आप उसको ड्राइंग करो ताकि वो ज़्यादा मोर क्रिएटिव लगे हमारे लिए। बच्चों को दी इसलिए जाती है स्कूल में कि वो क्रिएटिविटी अपनी शो कर सके। सो लाइक हमने ये ड्राइंग की है तो ड्राइंग करो, उसके आसपास बाउंड्री कर्व करो उसको। ये देखो, अगर आपने पिक्चर्स चिपकानी है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक बारी हमने ड्राइंग कर दी, नेक्स्ट पेज पे हमने पिक्चर पेस्ट कर दी जैसे इसमें की हुई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी कर सकती है। ये हमारा फ्लिप बुक का रेशो होती है कि हमने इस रेशो में बनानी होती है। फ्लिप बुक का मीनिंग ही होती है। और बीच में हम इसको ना स्टेपलर कर सकते हैं, लाइक मैंने अभी इसमें स्टेपलर नहीं की हुई। और ध्यान रखना कि पेजेस आपके उल्ट फुल्ट ना हो जाए, इसको कंबाइन करके ही ड्रॉ करना प्लीज़। आप इसमें कलरफुल शीट्स ले लीजिए, एक शीट को आप डबल कर लीजिए और उसको फिर कटिंग कर लीजिए। एक शीट के मोस्टली A4 शीट के तीन हिस्से बन जाते हैं, तो आपकी फ्लिप बुक बहुत ईजली और बहुत सस्ते उस पर बन जाती है। और जैसे कि ये देखना भी लास्ट किया हुआ है, एंडिंग है ये हमारी, और ये हमने एंड कर दिया। लास्ट पेज पे कभी कुछ ना बनाए।